रोटी उसी को मिलती है जिसको भूख होती है, जॉब उसी को मिलता है जिसको नीड होती है। फाइनेंस का ज्ञान, फाइनेंस का ज्ञान। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फाइनेंस ज्ञान और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सारा कर दूंगा कि आपके चेहरे खुशी में डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा फाइनेंस में बेस्ट करियर है। बहुत सारे फाइनेंस हैं, महिंद्रा एंड बजाज, श्रीराम विराम, बहुत सारे मल्टीपल फाइनेंस है, हजारों फाइनेंस है। किस में जॉब करें, किस में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको मैं आपको बताऊंगा डिग्री वाइज, ठीक है, क्योंकि भाई हर फाइनेंस की अपनी एक अलग है। तो डिग्री वाइज आपके लिए फाइनेंस बेस्ट कौन सा रहेगा और इसी बेस पे फाइनेंस बेस्ट रहता है। देखिए, किसी को ट्वेल्थ की ज़रूरत है, ट्वेल्थ पास की, किसी को टेंथ पास की ज़रूरत है, किसी को ग्रेजुएशन की ज़रूरत है, किसी को डिग्री की ज़रूरत होती है, ठीक है। हर कंपनी के अलग रूल्स होते हैं, तो आपके हिसाब से आपके पास कौन सी डिग्री है उस हिसाब से ही अपन मापदंड तय कर सकते हैं। उसके बिना अपन नहीं बता सकते कि आपके लिए कौन सी बेस्ट फाइनेंस का कैरियर होगा। तो फर्स्ट में बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, टेंथ ट्वेल्थ पास हैं आप, तो आपके लिए दो ही फाइनेंस जाएगा, ठीक है। एक माइक्रो फाइनेंस में जाए, टाटा कैपिटल L&T बेस्ट रहेगा आपके लिए, या फिर श्रीराम में आप ट्वेल्थ बेस्ट लगते हैं, बाइक फाइनेंस में आप जॉब करेंगे, ट्वेल्थ है, आगे आप नहीं पढ़ सकते, तो ये अच्छा है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन हैं, ग्रेजुएट आप हो गए, ठीक है, तो एज ए ग्रेजुएट आप जॉब करें तो चोला मंडला महिंद्रा सब फाइनेंस आपके लिए ग्रेजुएट के लिए तो खुले हुए हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएट बेस पे तो आप कहीं भी आप कर लें, इवन कहीं भी कंपनी में काम कर लें, आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन महिंद्रा और चोलामंडलम आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और SK फाइनेंस है, मणिपुरम फाइनेंस है, बहुत सारे फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस भी है, वो भी ट्वेल्थ बेस भी है। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आपके लिए गोदरेज फाइनेंस, ये सब आपके लिए ग्रेजुएशन बेस पे आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, ज़्यादा आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, क्योंकि इनको ग्रेजुएशन मिनिमम चाहिए, ट्वेल्थ बेस को ये उतना बड़ा ग्रेड नहीं दे सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी डिग्री पे, ठीक है। डिग्री अब जो मास्टर्स किए हैं, ठीक है, मास्टर्स किए हैं मतलब ऐसे नहीं अपन MA किए हैं तो बहुत नहीं, अपन को दो डिग्री ही मांगती है, ठीक है। एक MTech हो गया, मास्टर इन BE में हो गया, या फिर MBA, ये दो डिग्री वाले को बहुत जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं। लेकिन किन कंपनियों में मिलते हैं, ये चोलामंडलम महिंद्रा SK ये सब जो बड़ी कंपनी है, गोदरेज अदानी ये जब हैं बड़ी फाइनेंस कंपनियाँ, इनमें लास्ट सब कुछ करके भी आप ग्रेजुएशन बेस पे उतने आगे नहीं बढ़ सकते जितना आप डिग्री बेस पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। डिग्री बेस पे आपको एक साल का अगर एक्सपीरियंस ले लिए किसी भी फाइनेंस कंपनी में, किसी भी फाइनेंस में, MBA किया आपने, MTech किया आपने, ठीक है, आपने एक साल का एक्सपीरियंस ले लिया, बस इतना ही चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर BM तो नहीं बन सकते, BM तो अलग ही चीज़ होता है, ठीक है, वो किस्मत की बात है। लेकिन आप एज ए HR या फिर आप अच्छे किसी प्रोडक्ट में मैनेजर, आप एरिया मैनेजर, ASM सब बन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डिग्री चाहिए, ठीक है। श्रीराम में डिग्री का उतना महत्व तो नहीं है, इवन चोलामंडलम में भी उतना महत्व तो नहीं है, ये सब जॉब क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड जॉब है, ठीक है। लेकिन ट्वेल्थ पास नहीं चलेगा, ठीक है, मिनिमम ग्रेजुएशन बेस पे आप परफॉर्म करोगे तो आप BM बन सकते हो, स्टेट हेड बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको जोनल में जाना है, मतलब आपको इंडिया लेवल पे जाना है, ठीक है, आपको अपने स्टेट नहीं इंडिया लेवल पे जाना है, तो आपको MBA मांगता है, ठीक है। MBA आपको कैसे भी करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कंपनियाँ हैं, एटलीस्ट 12 बेस हो आप, तो मैं बोलता हूँ आपको ग्रेजुएशन कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कॉर्पोरेट फील्ड है, ठीक है, ये एजुकेशन आदमी तो कल काम आता ही है। आप 12 बेस किसी कारण आप नहीं पढ़ पाए तो 2 साल का इग्नोर से भर दो, या 2 साल का ग्रेजुएशन मांग लो ना कहीं से यार, ऐसी आजकल तो ऐसी पैसा दोगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एजुकेटेड का थप्पा होना चाहिए, 12th पास नहीं है आज की डेट में। आज लोग दुनिया भर का मास्टर्स कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको पढ़ाई भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितना आपका जॉब, ठीक है। आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप मोर एजुकेशन लेंगे, PGDCA फलना, अरे 50 ठुक कर लो, लेकिन जो अच्छा हो वो करो। ऐसा नहीं कि आप 4 MA कर लिए, 4 MA करके क्या मिल लिया भाई, हैं 4 MA, उससे अच्छा 1 MA करता और 3 ठुक फाइट कर देता,
गवर्नमेंट का, वो ज़्यादा अच्छा होता ना। तो यही है कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी डिग्री भी कंप्लीट कीजिए। और श्रीराम में उतना डिग्री का महत्व तो नहीं है, चोलामंडलम में नहीं है, लेकिन बाकी अदर्स कंपनियां हैं, महिंद्रा महिंद्रा में, मैग्मा में, ठीक है, अब बैंक्स में, ये सब डिग्री को बाद में, एक्सपीरियंस के बाद आपको जस्ट प्रमोट कर देंगी एज ए मैनेजर पे, टीम लीडर में, ठीक है। तो आप बहुत जल्दी ग्रोथ कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो MBA कर लीजिए, 12th हैं तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, ठीक है। अब पढ़ाई जारी तो जारी रखिए ना, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, आप जितना सीखेंगे उतने पल कोर्स आएंगे, जितना करेंगे नया नया कोर्स आएगा, ठीक है, हमेशा अपडेट होता रहता है एजुकेशन, है ना। तो एजुकेशन लेते रहिए, है ना। मैं ये नहीं बोलता कि पढ़ाई कर लीजिए वो कर लीजिए, आप डिग्री खरीद लीजिए यार, छाप टैलेंट आपके अंदर है, सब कुछ आपने सीख चुका है, बस आप पर एक सर्टिफाइड चाहिए कि आप MBA हो, आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोलता हूँ भाई, जब बिक रही है डिग्री तो खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक सर्टिफाइड आदमी चाहिए कि हाँ, ये भले आपने नहीं पढ़ा है, नहीं कुछ किया है, लेकिन आपके आगे लग गया ग्रेजुएशन MBA, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी का सोच, एक मैनेजर का सोच बदल देता है। मैनेजर खुद ग्रेजुएट है और आप MBA हो तो रिस्पॉन्स अलग देगा ना यार, बंदा MBA, एजुकेशन का, एजुकेटेड आदमी एजुकेशन का मतलब समझता है, कंपनियां समझती हैं, है ना। बाकी लोग जो खुद एजुकेटेड नहीं है, खुद 12th पास नहीं है, वो एजुकेशन का मतलब नहीं सोचेगा। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ फ़ायदा नहीं भी हो रहा है तो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं गलत बात कभी नहीं बोलता भाई, देखो कि किस कंपनी में ग्रोथ, हर फाइनेंस में ग्रोथ है भाई, हर फाइनेंस में, बस अपनी डिग्री और क्वालिफिकेशन बढ़ाते जाओ, आपको ग्रोथ मिलते जाएगा। होप आपको वीडियो समझ में आएगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब बड़ा बहुत शुक्रिया और शब्द कहना।